अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइस, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम सबको, और वालेकुम अस्सलाम रूज। हमारे दोस्त आ गए सब लाइन पे के आ रहे हैं अभी। आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स बीन लाइक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि हमने हेवन ऑफ हीलिंग को थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ था, बट वी आर रिज्यूमिंग इट फ्रॉम टुडे। एंड द रीजन वाज दैट वी आर वेरी बिजी विद आवर वर्क and we were very busy with doing some other projects, so ab thoda time mila hai, so then we again resumed it. Sir, how were your days going while you were not doing Haven of Healing? Miss kar raha tha kisi cheez ko. Mere khayal mein hum jab meditation karate to hum khud bhi to meditation mein jate hai na, magar hamare paas itna, hum Lahore the, Islamabad the, Karachi the, to kitne workshop humne ek mahine mein kiye, to quite busy. बट डेफिनेटली मिस कर रहे थे। मैंने लास्ट आई थॉट कि हम सैटरडे कर सकेंगे, मगर सैटरडे हम लाहौर में सिलवा कर रहे थे, तो रात को हम कैसे कर सकते थे 11 बजे। आई थिंक अब इंशाल्लाह इस पेस को चलेंगे। दूसरा ये कि क्योंकि अब वापस कोविड की सेकेंड वेव आई है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो हम वापस शुरू कर रहे हैं। और मुझे हैरत है, तुम्हें पता लाहौर में एक साहब आए थे सिलवा में, किस तरह मेडिटेशन काम करती है। अब चूंकि हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे, ना हमने कोई डेटा इकट्ठा किया है, ऐसे कई लोग हमारे पास आए थे जिन्होंने कहा कि हेवन ऑफ हीलिंग से किसी का आँख का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी को गुर्दे का प्रॉब्लम था, किसी को स्टमक का प्रॉब्लम था, किसी का टेंशन डिप्रेशन थी वो चला गया। तो आई थिंक आने वाले वक्त में अगर ताबिश साहब मौजूद हैं, आज ऑनलाइन है, तो वो इस डेटा को इकट्ठा करें और हम एक पूरी रिपोर्ट बनाएं कि इस हीलिंग से, हेवन ऑफ हीलिंग से लोगों को किस किस्म के फायदे हुए हैं। तो एनी वे, मैंने भी मिस किया, तुमने भी मिस किया होगा। नहीं, मेरा तो ऐसा लगता था कि अब ऑनेस्टली रिज्यूम करना उसको थोड़ा और वो हो रहा था कि यार आज से रिज्यूम करें तो इट्स अनदर रिस्पांसिबिलिटी, बट इट वुड फील लाइक कुछ मिसिंग है ना। एंड देन आई वाज लाइक, फिर लाइव वर्कशॉप्स शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारे लोग हेवन ऑफ हीलिंग से लाइव वर्कशॉप्स में आए, तो जब उनको मिल रही थी या उन लोगों को जो वेबिनार पे थे, इट वॉज सच अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस बिकॉज आई नो देयर नेम्स फ्रॉम द कंप्यूटर ओनली, सो मीटिंग देम, हगिंग देम, लाइक बुशरा, मदीहा, all the people, Suhail Ahmed Saab, the one you're talking about, everybody was there. So it has been like a really good experience ke in sabse ab physically hum mile. So aapko hi bada, jab bhi koi aate hai, maine kaha sir dekhen ye wo hai, ye wo hai. Acha ji, aaj ka hamara jo topic hai wo I would say sunne mein thoda sa lag raha hai ki itna interesting nahi hoga, lekin it is something that I think har koi insaan apni zindagi mein strive kar raha hota hai, और क्या उस चीज़ के लिए स्ट्राइव करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वो है किसी को बदलना। सो पहली बात है कि सर बदलाव पे बात करें कि बदलाव क्या चीज़ होती है और क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग किसी शख्स को बदल सकते हैं। असल में देखिए, इसमें दो बातें हैं। यस, किसी शख्स को बदला जा सकता है, लेकिन पहले खुद बदल कर। याद रहे, हर शख्स के जहन में आपका एक इमेज है, आपका एक तस्वीर, आपका एक खाका है, आपके बारे में कुछ बातें हैं, उसे एक नजरिया कायम किया आपके बारे में, हमारे के बारे में एक नजरिया कायम करते, एक परसेप्शन होता है किसी के बारे में। जब हमारा परसेप्शन किसी के बारे में होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो शख्स अपना परसेप्शन हमारे बारे में चेंज करे। वो चेंज नहीं हो सकता जब तक हम खुद ना चेंज करें अपने आप को। सारी जिंदगी हमारी, तमाम जितने भी वर्कशॉप में लोग आते रहे, ज़ाहिर है लाखों आदमियों को हमने ट्रेन किया, उसमें हमने अक्सर नोटिस किया, कोई अपनी वाइफ को चेंज करना चाहता है, कोई अपने हस्बैंड को, कोई अपनी औलाद को, औलाद माँ बाप को, कोई अपने बॉस को चेंज करना चाहता है, कोई अपने भाई को, बहन को, यानी ये सारी ज़िंदगी इसी कोशिश और काविश में लोग लगे रहते हैं कि हम सामने वाले शख्स को चेंज करें। असल जो चेंज होता है वो इंसान को अपने अंदर करना पड़ता है। जब आप चेंज होते हैं, मेरे गुरु जी कहा करते थे कि व्हेन यू चेंज योरसेल्फ द होल वर्ल्ड चेंजेस, क्योंकि आपका देखने का अंदाज जब चेंज हो जाए, आपका नज़रिया चेंज हो जाए, आपके जहन में जो इंटरनल डायलॉग आपका चल रहा है वो अगर बदल जाए, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। हमारे एक टीचर ने एक दिन बड़ी खूबसूरत बात की, इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा उर्दू में ट्रांसलेट करूँ।
The external world is a reflection of your inner world. यानी जो बैरूनी खारजी दुनिया है वो एक अक्स है, असल आपके अंदर जो है वही आपको बाहर नजर आता है। यानी बुरे आदमी घर आदमी बुरा नजर आता है, अच्छे आदमी घर आदमी अच्छा लगता है, ईमानदार आदमी समझता है हर कोई ईमानदार है, बेईमान समझता है हर कोई बेईमान है। तो हमारे अंदर जो होता है वही हमें बाहर नजर आता है। उसी किस्म के लोग जिंदगी में हमें मिलते भी हैं, अच्छे भी मिलते हैं बुरे भी मिलते हैं। तो हमें करना ही होगा कि दूसरों को हम चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में टेक्नोलॉजी है जो दूसरों को चेंज कर देती है। अलबत्ता जो पहली चीज हमें समझनी है कि अगर मैं चेंज करूं अपने आप को और मैं अपने सोचने का अंदाज, देखने का अंदाज, समझने का अंदाज अगर बदल दूं, तो फिर मेरे अतराफ में जो लोग होंगे वो खुद ब खुद बदलेंगे, क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। होता यह है कि जब जब आप कोई शख्स आपसे इंटरेक्ट करता है ना, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट इंटरेस्टिंग है। एक स्ट्रेटेजी होती है, मतलब मुझे पता है कि तुमसे काम करवाना अगर हो तो बेस्ट तरीका क्या है। तो मैं कहूँगा चलो फला जाके बंद कबाब बहुत अच्छे याद है, और इस तरह मैं तुम्हें फर्नीचर के लिए नर्सरी ले जाता था, तुम्हें वहाँ के बंद कबाब बहुत पसंद थे। या मुझे पता है कि उरूज से कुछ काम करवाना तो उरूज को कहो उरूज समोसे मंगवा दूँ या चाट मंगवा दूँ। तो ये तरीका है तुम्हारे अंदर जाने का, तुम्हारे जहन में जाने का, बिकॉज यू लव फूड। तो इसका मतलब एक मिसाल दी है, समझाने का मतलब है कि एक स्ट्रेटेजी होती है हर शख्स के पास, सामने वाले शख्स से रवाबित बढ़ाने की, बात मनवाने की, करने की। हम अपनी दुनिया में इतने मगन होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले शख्स की अपनी दुनिया है, हम अपनी दुनिया से उसकी दुनिया देखते हैं। एनएलपी में एक प्रीसपोजिशन, एक वर्किंग बिलीफ यूज होता है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। यानी आपके सामने जो शख्स है वो उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी सोच है, आप अपनी सोच से उसकी सोच को नहीं समझ सकते। आपको करना क्या होगा कि इसी तरह अपोजिट में अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो वो आपको समझने के लिए अपनी सोच बदलेगा। सही। तो एक इन अ वे देखा जाए तो कि यस, हम लोगों को चेंज कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन कर सकते हैं। और बेस्ट वे इसको ये है कि जिस तरह हम हैं, इफ वी कैन चेंज दैट, ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा को चेंज हो जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज यूज्ड टू ऑफ अस बीइंग द वे वी आर। तो वो हमारे साथ वही रिएक्ट करता है जैसे हम सालों के साथ रहे हैं। अगर हम हल्का सा भी चेंज करेंगे उसका रिएक्शन हमारे साथ चेंज हो जाएगा, तो हमारे लिए वो शख्स चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे आपको चेंज करना पड़ेगा मुझसे रابطہ करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए या मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए। और यही बड़ी खूबसूरती है जिंदगी में कम्युनिकेशन स्किल्स की, कि जहां आप अपने आप को समझ जाओ और आप फिर दूसरों को समझो। सही सही। तो ये एक पहला जो चीज है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू चेंज और अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। अच्छा, अगेन वही वाली बात है कि चेंज वर्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। सो चेंजिंग समवन और मेकिंग देम एक्सेप्ट समथिंग, डोंट यू थिंक इज नॉट राइट इन अ वे, और इज इट ओके? देखिए जी, डिपेंड्स अपॉन, अगर मोरालिटी और एथिक्स के अंदर आता है ना, अगर आप अपने बच्चे की एक हैबिट है उसे चेंज करना चाहते हैं तो इज़न्ट दिस अ गुड थिंग? फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता, आप चेंज करते हैं उसको नमाज पढ़े। एक मिसाल दे रहा हूँ दीनी हवाले, एक कुरान पाक नहीं पढ़ता, आप कुरान की तरफ उसको रागब करते हैं, तो ये चेंज तो बहुत अच्छा है ना। आपका बच्चा सिगरेट पीता है, आप चाहते हैं वो सिगरेट छोड़ दे, एक्सीलेंट, ये चेंज तो ठीक है ना। बच्चे को गुस्सा आता है, आप चाहते हैं उसको गुस्सा ना आए। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोगों से मिलता नहीं, एंटी सोशल है, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो सोशल हो, जाके लोगों से मिले, अपनी एक सोशल बिल्डअप करे, एक डेवलप, सोशल स्किल्स इज डेवलपमेंट स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में सक्सेस के लिए। तो ये सब तो आप पॉजिटिव है ना साहब? सही, आप चेंज इसलिए करते हैं उसके फायदे के लिए। सही। सो मोरालिटी के अंदर रहते रहते चेंज इज फाइन। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाएं, इसके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो अगेन वही वाला लेवल है जो आपका लेवल है, उस पर अगर हम जाके बात करें, तो आप अक्सर कहते हो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग समवन एक्सेप्ट देम, वंस यू एक्सेप्ट देम देयर इज अ वे वेयर यू कैन फाइंड द मिडिल ग्राउंड टू वर्क ऑन समथिंग। सो एक्सेप्टेंस कितना बड़ा काम करती है रिलेशनशिप्स के अंदर? देखिए कि ये मल्टीपल चीजें एक साथ काम करती है। मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं, मेरा सबसे पहला चेंज ये होगा कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं द वे ही इज। ये सबसे बड़ा चेंज होगा, सबसे पहला चेंज मेरे हो ना। फ्लेक्सिबिलिटी भी ना, फ्लेक्सिबिलिटी मेरी ये है
कि मैंने देख लिया कि एक शख्स के साथ मेरा रिश्ता है, चाहे वो पेशा वाराना रिश्ता हो या निजी रिश्ता, है ना, अब मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, या मुझे उस ऑफिस में काम करना है, मेरा बॉस ऐसा है, या बिजनेस है, मेरे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं, ग्राहक मेरे पास ऐसे आते हैं, बहुत डिस्काउंट मांगते हैं, तो पहला मेरे में चेंज ये होगा कि मैं इस सूरत हाल को एक्सेप्ट कर लूँ कि ये होगी, और इसी के अंदर रहते हुए मुझे अपने आप को कैसे बेहतर करना है और अपने आप अपना फ़ायदा कैसे देखना है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस का फ़ायदा कैसे देखना है, जॉब है तो तरक्की कैसे करनी है, स्कूल है अगर बुली करते हैं बच्चे, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका रंग दबा हुआ है, या आपकी बाजार बिल्ड ऐसी नहीं है, दूसरे बच्चे आपको आजकल तो यूनिवर्सिटी में भी करते हैं बुली करते हैं, तो मुझे उनको एक्सेप्ट करके फिर दूसरे कदम पर अपने आप को एक और लेवल पैसे चेंज करना है कि वो मुझे एक्सेप्ट करें। तो ये चेंज, यानी कि अगर हम उसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड करें, किसी भी चीज को अगर हम करना चाहते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, लोगों के अंदर हम जो करना चाहते हैं उसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड करें, तो पहला स्टेप होगा कि जो भी सिचुएशन है या जो भी शख्स को एक्सेप्ट कर लो द वे द सिचुएशन और द पर्सन इज। वही वाली बात है जो आप 42 में सिखाते हो कि एक चेयर है उसके पहले तोड़ो उसको, उसको डिसमेंटल करो। अगर आप चाहते हो कि आप उसको उस हर्डल को या उस प्रॉब्लम को पार करो तो पहले उसको डिसमेंटल करो। तो इन अ वे अगर हम स्टेप, पहला स्टेप हमारा होगा कि हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज पहले हम रेजिस्ट कर रहे होते थे या फाइट कर रहे होते उस चीज से, बट जब हम एक्सेप्ट करते हैं दैट्स द बिगेस्ट चेंज दैट वी ब्रिंग टू आवरसेल्फ। वंस वी एक्सेप्ट इट देन द सेकंड स्टेज इज हाउ टू डील विद इट। उसकी स्ट्रेटेजी ढूंढो कि भाई उस शख्स को मैंने कबूल तो कर लिया, ठीक है, सो अब मेरे अंदर कोई ग्रज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई बुरी फीलिंग नहीं है। नाउ हाउ डू आई मेक दैट पर्सन बेनिफिशियल फॉर मी एंड मी बेनिफिशियल फॉर हिम, विन विन सिचुएशन में मैं क्या करूँ। वहाँ आप स्ट्रेटजी देखोगे कि वो शख्स की क्या चॉइसेस हैं, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, किस तरह वो बात सुनना पसंद करता है। अगर आप उसकी दुनिया को समझने के लिए उसकी दुनिया में चले जाओ और उसकी दुनिया समझ लो, तो पहले आपने दुनिया समझने के बाद उसकी दुनिया में जाना होता है। यू टू गो इनटू हिज वर्ल्ड, अगर इसी में कहते हैं ना, गो इनटू समबडीज शूज टू अंडरस्टैंड एंड फील कि वो कैसा फील कर रहे हैं, एंड देन ब्रिंग देम इनटू योर ओन वर्ल्ड। अब आप हमारे आज पड़ोस में खालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आज मोहल्ले में सारे लोग ये कह रहे थे कि ये शख्स सबको खाना खिलाता था और वाकई उसकी नेकी थी। तो अब हम जब किसी शख्स को समझते हैं कि उसके घर में डेथ हुई, अब जब आप उसके घर जाएंगे तो आप उसकी तरह उसके गम को महसूस करने की कोशिश करेंगे, दिस इज गोइंग टू समबडी एल्सेस, या फिर आप किसी की खुशी में जा रहे हैं। लेट्स से आपकी महबूबा है, आपसे शादी नहीं हुई, आपके दोस्त के साथ शादी होगी, फिल्मों वाली कहानी है पर समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब उसने आपको इन्वाइट किया, अब बड़ा मुश्किल है अपनी मोहब्बत को किसी और की दुल्हन बनते देखना, तो अगर आप जाने ही है तो मुंह लटका के नहीं जाना, खुशी खुशी जाना है, क्योंकि मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है, है ना। ये भी हमारी एक सोच है कि मोहब्बत का मतलब है हासिल कर लूं तो मेरी मोहब्बत भी जीत, जरूरी नहीं है। तो अगर वो किसी और की है तो आप उसकी खुशी में शरीक हो, गम में लोगों के शरीक हो, खुशी में लोगों को शरीक हो, तो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनता है, खासकर गम में दुख दर्द में जो रिश्ता बनता है वो रिश्ता जिंदगी भर रहता है, कभी टूटता नहीं है। खुशी के रिश्ते को लोग भूल जाते हैं, दुख के रिश्ते को नहीं भूलते। सही, ये तो क्या बात करोगे, ठीक है, यू नो वी मेक द रिलेशनशिप लाइक काइंड ऑफ अ रेपो, राइट। सो नाउ एक्सेप्टिंग समथिंग एंड चेंजिंग द पर्सन, डू यू थिंक कि अगर कोई शख्स बहुत किसी का, फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ और उस शख्स के साथ मेरा मेंटल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड नहीं मिलता इन एनी ऑफ द केस, नाउ either I try to change the person, या मैं उस frustration में काम करती रहूं, कुड़ती रहूं, या मैं वो काम छोड़ दूं, क्या करूं? देखिए, उस पहले तो बात ही ना कि किसी भी given situation में आपने ये देखना होगा कि आपके पास choices क्या है। पहली चीज तो choice आ जाती है ना, अगर choice नहीं है आपके पास और आपने काम करना है तो फिर पहला step उसको accept कर लो, ऐसा ही होगा ये शख्स। दूसरा, उसको कैसे मैं चेंज करूं फॉर द बेटर, याद रखें फॉर द बेटर, अच्छाई के लिए। तो टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है, ऐसी टेक्निक्स है कि आप किसी के जहन के अंदर ऐसी बात डाल देंगे कि उसे लगेगा ये मेरी सोच है, यानी मैं बात करते करते तुम्हारे जहन में एक ऐसी बात डालूंगा जो कि है मेरी बात, जो मैं चाहता हूं, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सोच है।
तो तुम मुझे वो चीज दे दोगी। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूँ, आई मीन सीरियसली, लोग परेशान ना हो इस बात पे। लेट्स सी, मुझे तुमसे पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दोगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम चाहती हो कि तुम मुझे पैसे दो। ये वो स्ट्रेटेजी है जो बड़ी जबरदस्त है। हम एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं कर रहे किसी को, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि किसी शख्स को बेहतरी के लिए चेंज करें, ताकि उसकी जिंदगी में अगर अपने जात के प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो और वो एक अफेक्टिव पावरफुल ह्यूमन बीइंग बने। उस हवाले से मैं बात कर रहा हूं। सो इसका मतलब है कि अपनी, अगर आपको कोई विन विन सिचुएशन, अगेन फॉर द बेटरमेंट, अगेन नॉट, आई एम नॉट सेइंग फॉर पैसे निकालना है कुछ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अदर पर्सन, आप एक ऐसा कम्युनिकेटिवली काम करते हैं या ऐसा कुछ टेक्निक्स भी हैं दुनिया में कि जिसके थ्रू वो आइडिया उसको लगेगा कि उसकी आइडिया है। हाँ, यानी उसको लगेगा मेरी सोच है, ये मैं चाहता हूँ, ये दूसरा बंदा मुझे करवा नहीं रहा है। हाँ, ये मुझसे नहीं कर रहा, इसने कुछ बोला ही नहीं, मतलब मेरा दिल चाहता है। मैं सोच रही हूँ कुछ काम जो मैं करती हूँ जो मैं वैसे नहीं करती, और मैं वो करती हूँ, आप करवाते हो, मगर मैंने तुमसे सिर्फ अच्छे काम करवाए। मैं मजाक करा रही हूँ, जैसे कि मैं वैसे आई हेट मेकिंग टी, मैं खुद चाय पीती हूँ, मुझे बहुत भीड़ होती बनाना, बट समहाउ रात के जैसे ही 9:30-10 बजते हैं, कोई घंटी बजती, मेरे दिमाग में उठ के फौरन से डॉक्टर मोहित के लिए चाय बना के उनके लिए चाय लेकर आती। आज सीक्रेट बता रही तुम्हें, मगर देखिए फिर इस, जब इंसान के पास ये सलाहियत आती है ना, तो फिर जिम्मेदारी भी आती है कि इस सलाहियत को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करना, क्योंकि फिर पकड़ होगी इंसान की। तो मोरालिटी और एथिक्स में रहते हुए किसी शख्स को चेंज करना या उससे कोई ऐसा काम कराना जिसमें उसका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, इट कम्स विद इन मोरालिटी एंड एथिक्स। सही, अच्छी बात है। अक्सर लोग इन जब चीजों की बात आती है कि हम अब इसको हम थोड़ा लाइटर मोड पे भी ले जाते हैं, थोड़ी सी बात भी करते हैं कि समझ में किन किन चीजों से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जब लोग मोस्टली लोग जब सिल्वर और फूडी करते हैं तो कहते हैं जी मुझे मेंटली उस बंदे को इन्फ्लुएंस करना है, विच फाइन, मैं मेंटल कम्युनिकेशन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हाउएवर, इज देयर एनी अदर वे दैट यू कैन डू इट विदाउट डूइंग एनी मेंटल कम्युनिकेशन, लाइक अ डे टू डे लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन सम सेल्स पीपल और आई हैव सीन सम हस्बैंड्स और आई हैव सीन सम पीपल हु डू दिस थिंग दैट उसका जो पार्टनर है या जो से बंदा खरीद रहा होता है चीज, वो पूरा ही बिक जाता है, पूरा ही बिगड़ चेंज हो जाता है। देखिए, एक तो है मेटाफिजिक्स के लेवल पे, जब आप मेंटल कम्युनिकेशन करते हो, टेलीपैथी जिसको कहते हैं, जो कि सिल्वा और फोर डायमेंशन में, एक तरीका ये कॉन्वर्जेशन, गुफ्तगू में, आप किसी के पास बैठे हो, आप गुफ्तगू कर रहे हो, उस गुफ्तगू में आपने खास अल्फाज की अदायगी करनी है, और वो अल्फाज ऐसे होते हैं जिसका वो शख्स कोई और मायने लेता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी का वर्ड है सन, अब ये SON सन है, SUN सन है, ठीक है, इसी तरह कोई बात ऐसी की जाए जिसके जू मायने हो, तो वो जब शख्स सुनता है तो वो अपनी मर्जी के मायने देता है, आपके जुमले को अपनी मर्जी के मायने देता है, और जब अपनी मर्जी के मायने देता है तो उस मालूमात को वो अपनी मर्जी से प्रोसेस करता है, तो वो जो वो सोच रहा है वो वही था जो आपने दिया, मगर आपने उसको जूम मायनों में दिया। सही, इस तरह समझे उसको कि जब कहानियां सुनाई जाती थी किसी जमाने में, स्टोरी टेलर होते थे बगदाद में और बुखारा वगैरह में बहुत होते थे, वो जब स्टोरी सुनाते थे तो हर आदमी को लगता था जैसे मेरी जिंदगी की स्टोरी है, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जेशन होती है, इसको कहते हैं डिस्क्रीटली की जाती है, डिस्क्रीट इन अ सेंस कि आप करते जरूर है, मगर जो आप अपना मुद्दा बयान नहीं करते उस गुफ्तगू में, मगर सामने वाले को माइंड में ऐसी बात डालते हैं जो आप चाहते हैं। अब मैं इससे ज्यादा सीक्रेट नहीं बता सकता क्योंकि ये फिर मसला हो जाएगा, लोग पूछना शुरू कर देंगे, मगर अच्छा, दुनिया में इसको एक इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है, NLP, ये सब यही हुए। हाँ, अच्छा, अक्सर लोग इस चीज को कहते हैं कि जी ये एथिकल नहीं है, तो आपको कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एथिक्स इसके बीच में आता है और ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? देखिए, एथिक्स उसी वक्त आता है जब आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं,
किसी को डेवलप करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी निकी है। दुनिया में जितने भी सेल्स के लोग हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हो, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे याद है सालों पहले हमने एंग्रो के लिए वर्कशॉप किया था, एनएलपी का, तुम्हें याद है, उनकी आइसक्रीम मेमोर के नाम से। तो जब पहला सेशन हुआ, फर्स्ट वन आवर, जितने सेल्स के लोग बैठे थे, हमने कराची में किया, लाहौर, पूरे पाकिस्तान की सेल्स टीम को किया था। पहला सवाल मैंने पता क्या पूछा था उनसे, मैंने कहा जिस आइसक्रीम को तुम बेच रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है? फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड, एंड जैसे कल खुद खाते इस आइसक्रीम। कोविड से पहले हमने टपाल चाय के लिए किया, तुम्हें पता है पहला सवाल मैंने क्या पूछा था जब हम पहला हमारा वर्कशॉप हुआ था एनएलपी का? मैंने कहा था क्या तुम्हें टपाल पे भरोसा है कि बहुत अच्छी चाय है? तो सब ने कहा था कि हम अपने घर पे सिर्फ टपाल चाय इस्तेमाल करते हैं। यहां से मुझे पता चला कि कन्विक्शन है कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वो प्रोडक्ट सामने वाले के लिए फायदेमंद है। यही तो एथिक्स है ना। अगर आप झूठ बेईमानी करके, झूठ बोलकर, मिलावट करके, या कोई ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हो जिसमें फायदा नहीं है लोगों का, तो फिर आप अनएथिकल। नबीला, आप जो पूछ रही हैं वो डॉक्टर मुइज़ बाग़ी, आप सर्च कर सकती हैं एरिक्स एनएलपी, आप सर्च कर सकती हैं हिप्नोसिस, आप सर्च कर सकती हैं कॉन्वर्जेशन थ्रू एनएलपी। सो यू कैन सर्च दोज थिंग्स, और फिर डेफिनेटली इसको स्किल को यूज सीखने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन लर्न यू स्किल। अच्छा सर, एक बात बताएं, एक बात, आज सुबह जब हम शहजादी को एक चीज़ समझा रहे थे अपने ऑफिस में बैठ के, तो आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, मैं सुबह से सोच रही थी मैं आपसे पूछूं, उसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। आप कहते हो यार हमें पूरी जिंदगी सिखाया जाता है कि हमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, पावर पॉइंट कैसे बनाने, प्लस माइनस कैसे करना है हमें, अच्छा शादी के अंदर जो शादी की तकरीबात हैं उसको हमें कैसे करना है कि जी पहले दिन मेहंदी होगी, दूसरे दिन निकाह होगा, तीसरे दिन मतलब उसी दिन रुखसती होगी, फिर ये सारी चीज हमें पता है, लेकिन हमें कभी भी इस पूरी लाइफ के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि किसी चीज को निभाना कैसे है, किसी चीज को अदा कैसे करना है, कॉन्फिडेंस नहीं सिखाया जाता। इंस्टेड जब तोते की तरह सिखाया जाता है कि सिट अप, रीड दिस, रीड दैट, दैट्स इट। तो इस तरह का सर, अगर हमारे अंदर वो, हमें किसी और शख्स से हमारी स्किल्स सेपरेट करती हैं, अगर मुझे भी वही मैथ आता है जो मेरे सामने वाले बंदे को आता है, तो उसमें मेरे में फर्क क्या है? सो आई वांट यू टू एलाबोरेट ऑन दैट थिंग अ लिटिल मोर। देखिए, हर साल हजारों नौजवान एमबीए की डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, मगर उनमें से चंद जो है उनको टॉप जॉब्स मिलती है, और आगे जाके अगले 10 साल में वो टॉप लेवल पे पहुंचते, सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पे पहुंचते। बाकी सब क्यों नहीं पहुंचते? वही एमबीए किया है, सबने वही डिग्री हासिल की है, सबने उतना ही पढ़ा है। तो यहाँ दो चीजें आती है, नंबर वन, स्किल्स आपके पास हैं क्या? दुनिया का कोई भी एजुकेशन, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो आपको स्किल्स नहीं इम्पार्ट नहीं करता, वो आपको सिर्फ एजुकेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है। बिजनेस को मैनेज करने का ये तरीका है, ये बेंचमार्क है, ये स्ट्रेटेजी है, वो, मगर जो करने वाला बंदा है उसके अंदर सलाहियत है कि नहीं? एक जुमला हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन, ऑलवेज। मैं जरा पानी ले लूं। बर्ली कॉस्मेटिक, आपको ईमेल आईडी पे ईमेल कर दिया डॉक्टर मुइज़ को अपने पर्सनल क्वेश्चन, सो हैज मदिया यू टू अबाउट द एंगर एंड एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन जो थर्सडे लेक्चर में लेंगे, वी यूजुअली डोंट टेक एनी क्वेश्चन इन इवन अ फीलिंग। जी सर, एक रिक्वेस्ट, ये इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। मैं एक दफा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में था, एक लेक्चर दे रहा था कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो एक नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोर्स, और मुझे आज तक जॉब नहीं मिली। मैंने कहा क्यों? कहता जब इंटरव्यू पे जाता हूँ इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ, बिकॉज वो लोग कहते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम आगे कैसे काम करोगे? तो अब ये स्किल्स जब तक आप में नहीं होगी, चाहे आपके बच्चे हो, आपकी अपनी जात हो, वो स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, एक मिस्त्री है, वो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गया, मगर आपकी गाड़ी बड़ी कमाल तरीके से बना लेता है, बिकॉज उसके पास होना है, स्किल्स हैं। तो स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में, एजुकेशन के साथ साथ, मगर हम एजुकेशन ही लेते हैं, स्किल्स कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करते। स्किल्स को डेवलप किया जाता है, सीखा जाता है। अच्छा सर, एक सवाल है,
मैं शायद इसका थोड़ा क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करके दे दूं. हाउ कैन आई कन्वे माय मैसेज टू माय हस्बैंड टू ओन मी एंड गिव मी माय राइट्स, ही इज नॉट ओनिंग मी इवन नॉट सेंडिंग मी माय एक्सपेंसेस. कि किस तरह अपने शौहर को मैं करूँ कुछ करूँ कि वो मेरी मुझे मेरे एक्सेप्ट कर ले, ओन करे मुझे और वो मेरा एक्सपेंस भी उठाए. सर फॉर दैट व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू द पीपल हु आर वेटिंग फॉर समवन टू एक्सेप्ट देम इफ द पर्सन इज नॉट. First of all, what is the reason why you want them to accept you? अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा, हुकूक नहीं दे रहा, फिर सोचें कि मैं क्या करूं? चॉइस क्या है मेरे पास? क्या मैं छोड़ दूं उसको या मैं एक्सेप्ट कर दूं कि वो ऐसा ही है और फिर मैं कुछ करूं? पता है किसी शख्स को चेंज करने से पहले अपने अंदर जो एक एक वबाल होता है, एक स्ट्रेस लेवल होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करना जरूरी है. यानी चेंज, राइट? वाओ. तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा हस्बैंड चेंज हो तो सबसे पहले उसके बारे में जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे खत्म करना पड़ेगा. वाओ. कि वो बुरा आदमी है या जालिम है या ये नहीं, वो खत्म करना पड़ेगा. तब कनेक्ट होता है दिल दिल से. अच्छा, तो ये जो आपने बात की ना, इस बात को शायद इन लोगों को समझ में नहीं आई है. आप लोग जरूर इस बात को, मैं आपको इतनी गहरी बात कर गया ना ये इतने छोटे सेंटेंस में, लाइक फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई कांट आई वांट स्ट्रीम यार्ड. आपने जो भी बात की कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरा हस्बैंड अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, सो इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो एंगर या वो रिजेंटमेंट या वो यू नो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, वो फीलिंग के ऊपर मैं फोकस करने से पहले पहले उस वबाल को मैं खत्म करूं कि ये ऐसा ही है, और फिर एक चॉइस करके डिसीजन लूं और उस पर स्टिक करूं. क्योंकि वंस आई डू इट दैट स्ट्रेस लेवल विल बी गॉन एंड आई विल बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन फॉर द रेस्ट ऑफ माय फॉर द फ्यूचर. बिल्कुल सही कहा. अच्छा, मेरी गुजारिश हमारे तमाम, तो ये सर आप मुझे बताएं कि आपका जितना भी लाइफ गुजारिश, थोड़ी देर बात करना, एक और सवाल है, आपकी पूरी लाइफ में आप जब भी किसी जगह जाते हो या हम कोई भी काम करते हैं, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी काम अच्छा हुआ, कभी नहीं हुआ, आप हमेशा, कभी मैंने आपको रिग्रेट करते हुए नहीं देखा है. आप हमेशा काम करने से पहले बोलते हो यार मैंने अभी डिसाइड कर लिया मैं कर रहा हूँ. क्या दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग यू आर ट्राइंग टू टेल देम? बिकॉज़ आई एम ड्यूटी बाउंड. मैं इसको, इस काम को फर्ज समझता हूँ. मैं कोई और काम भी कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, पर इस काम को मैं फर्ज समझता हूँ. और एक्चुअली अगर गलत ना कहो तो कोई इबादत समझता हूँ इस काम को. शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े बड़े मौके छोड़े. मुझे किसी ज़माने में दो बड़े बड़े चांसेस मिले थे, बहुत सीनियर पोजीशन पे मिले थे, बट सबको रिफ्यूज़ किया. वजह शायद ये कि मैं इसको इस तरह ड्यूटी समझता हूँ जैसे इबादत ड्यूटी है, इस तरह ये मेरी ड्यूटी है. तो इसलिए मुझे किसी किस्म का पछतावा नहीं होता. हाँ, मुझे तकलीफ उस वक्त होती है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिनका जवाब उनके पास है मगर वो चाहते हैं मैं बोलूँ या मैं कहूँ. और दूसरा ये कि जब ब्रेक का वक्त होता है तो आके फिर मुझसे सवाल पूछते हैं, तो वो वक्त जब मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, रिलैक्स करना. ज़ाहिर है हम अपने जहन को बहुत इस्तेमाल करते हैं आप सबको सिखाने के लिए, हमारी बहुत एनर्जी यूज होती है. उस वक्त जब आके कहने के बावजूद, इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद फिर आते हैं ब्रेक में, तो वो चीज़ थोड़ी नागवार गुजरती है. अदरवाइज सबसे पहले सुहेल अहमद साहब, वही जो आए थे लाहौर में हमारे दोस्त, उनका कह रहे हैं कि सर आफ्टर सिल्वा वर्कशॉप द मिस्ट्री इज रिवीलिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्लो एंड स्टडी विन द रेस. बहुत ही प्यारे इंसान है और बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े स्वीट से इंसान है. इंशाल्लाह आई होप टू सी यू सून सुहेल साहब. अगेन बहुत सिंपल बातों से आज हमने स्टार्ट किया बिकॉज वी आर री स्टार्टिंग. हाउएवर जो डॉक्टर मोइज एक छोटी सी बात करके लोगों ने लिखा, येस वी गॉट इट, वी गॉट इट. आई एम टेलिंग यू सिंसियरली, आई वॉज स्टक इन अ प्रॉब्लम इन अ वे के मुझे कुछ एक दो डिसीजन लेने थे, एंड इन द स्पर ऑफ द मोमेंट अभी जब मैंने बात की डॉक्टर मोइस, आई हैव टेकन दोस डिसीजन एंड आई एम डन विद द थिंग. विद दैट सर आप हेवन अ फीलिंग करें, यू आर ट्रूली अ ब्लेसिंग बिकॉज, एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम हिज डॉटर, आई एम वर्किंग विद हिम, इट इज ट्रूली अ ब्लेसिंग. इस डिसीजन को लेने के लिए मुझे पता नहीं कितनी थेरेपीज अगर कभी लेनी पड़ती तो कितनी लेनी पड़ती. एक मिनट में मैंने डिसीजन ले लिया अपने. थैंक यू सो मच, गो अहेड एंड डू हेवन अ फीलिंग. अच्छा, तुम्हारे हेवन ऑफ हीलिंग कराने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब आप ये वीडियो देखते हैं या फिर आज नहीं देख रहे तो कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी आप वक्त नहीं है, बराए करम कमेंट्स दिया करें. और कमेंट्स में आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं कि हम हेवन ऑफ हीलिंग में लेके आए,
किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो भी हमें लिखा करें, और हमारी ये सेगमेंट जो अभी आज हमने किया है, या आपको पसंद आया, क्या गलती थी, तो कमेंट ज़रूर आप दिया करें वीडियोस में, और कमेंट के साथ साथ सजेशन भी दिया करें, विल बी वेरी ग्रेटफुल। शुरू करते हैं दोस्तों, लाइट बंद करना चाहें बंद कर लीजिए, खुली रखना चाहें खुली रखें। अगर आपको याद हो जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमने जो मेडिटेशन की थी वो वापस हम शुरू इसलिए कर रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड दुनिया में आ चुकी है, मगरिब में हालात बहुत ही ख़राब है, अल्लाह ताला तमाम इंसानों पर अपना करम करे, अपना रहम करे। पाकिस्तान में भी आ चुकी है सेकेंड वेव, हम समझ नहीं रहे इसको, इसको सीरियस नहीं ले रहे, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो हम उसी मेडिटेशन से शुरू करते हैं जो हमने स्टार्ट की थी, बिकॉज हकीकत में उस मेडिटेशन ने बड़ा कमाल का काम किया लोगों की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आंखें बंद, लाइट बंद, लेट जाइए, बैठ जाइए, आपकी मर्जी, मैं भी लाइट ऑन कर ऑफ करता हूँ। चले जी, क्लोज योर आईज और हम स्टार्ट करते हैं। मैं 20 से गिनती गिनूंगा, 20 से गिनती गिनने के बाद फिर मैं आपको वो मेडिटेशन जो पहले हमने स्टार्ट की थी उस पे वापस ले आता हूं। ट्वेंटी, 19, मेरी आवाज सुनते रहिए और मैं जो कहूं उसको मेंटली फॉलो करें ज़हनी तौर पर। 18, 17, 16, फील रिलैक्स्ड। 15, 14, 13, feel more and more relaxed. 12, 11, 10, feel going deeper and deeper. 9, 8, 7, deeper and deeper. 5, 4, 3, all the way down, deep down now. 3, 2, 1, allow yourself to go deeper and deeper and deeper, as deep as you can go. Jitni gehrai mein ja sakte utni gehrai mein jaiye, जितनी गहराई में जा सकते हो उतनी गहराई में जाइए। अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, लेट गो ऑफ योर बॉडी, गिव इट टू ग्रेविटी। अपना तमाम वजन कुर्सी या पलंग जहां पे आप बैठे या लेटे उसे दे दें। अब जहां बैठे हैं या लेटे हैं, आपके जिस्म ने स्पेस ऑक्यूपाई की है। जो जगह आपके जिस्म ने ली है उस जगह पे फोकस करें। द स्पेस दैट यू हैव ऑक्यूपाइड और योर बॉडी इज ऑक्यूपाइड, आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पेस। हाउ मच स्पेस हैव यू ऑक्यूपाइड, कितनी जगह आपने घेरी हुई है, आपके जिस्म ने घेरी हुई है, उस पे फोकस करें। क्या ये जगह जो आपने ऑक्यूपाई की हुई है, क्या ये आपकी अपनी जगह है? चाहे आपका अपना घर क्यों ना हो, आपकी अपनी कुर्सी या बिस्तर क्यों ना हो, बट द स्पेस दैट योर बॉडी इज ऑक्यूपाइड, इज इट योर स्पेस? Let's check it out. Check करते हैं हम। अब इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, सोचिए
कि अगर ये जो स्पेस आपने ऑक्यूपाई की, अगर ये फैलना शुरू हो ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ अगर आपकी स्पेस बढ़ना शुरू हो, और ये स्पेस बेसिकली आपका कॉन्शियसनेस है, आपका शऊर है, शऊर है, ये अगर फैलना शुरू करे चारों तरफ ऊपर नीचे, तो अगर ये फैल जाए तो पूरा कमरा आपकी स्पेस है, यानी आप इस पूरे कमरे में मौजूद है और ये कमरा आप में मौजूद है। और अगर इसको और फैलाया जाए, फैला जाए, तो आपके पूरे घर में आप मौजूद हैं और घर आप में मौजूद है। तो आप अपने जहन के अंदर अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करना, फैलाना शुरू करें, और फैलाते 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 इसको अपने मोहल्ले में, नेबरहुड में फैला दें, तो आप पूरे नेबरहुड में मौजूद हैं और सारा नेबरहुड आप में मौजूद है। यू आर द नेबरहुड एंड द नेबरहुड इज यू। और इसको फैलाते फैलाते अपने पूरे शहर में फैला दें, द सिटी इज यू एंड यू आर द सिटी। आप पूरे शहर में मौजूद हो और पूरा शहर आप में मौजूद है। और इसको और एक्सपेंड करते जाए तो पूरा मुल्क, जिस मुल्क में आप रहते हो, वो पूरा मुल्क में आप मौजूद हो, पूरे मुल्क में, और मुल्क आप में है। एंड एज यू कीप ऑन एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड करते करते कॉन्टिनेंट पे ले आइए, और कॉन्टिनेंट से एक्सपेंड करते 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 आप इसको पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर दें। सो यू आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज यू। सोचें, इस दुनिया में कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां आपका शऊर ना हो, जहां आपकी अवेयरनेस ना हो, जहां आपका माइंड ना हो। और चूंकि पूरी दुनिया में आपका माइंड है, तो पूरी दुनिया आप है और आप दुनिया है। और इसको मजीद एक्सपेंड करते करते अगर हम अपनी दुनिया से बाहर निकल जाए, स्पेस में निकले, तो पूरे सोलर सिस्टम में आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो गई है, तो पूरा सोलर सिस्टम में आप हो और पूरा सोलर सिस्टम आप में है। यू आर द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज यू। और अगर हम इससे और आगे बढ़ते 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 सोलर सिस्टम से ऊपर जाते, तो हम एक ऐसी कहकशां में आते हैं जहां ना जाने कितने सोलर सिस्टम्स हैं, कितने सितारे हैं, कितने तारे हैं, कितने सूरज हैं। तो उस कहकशां में, उस गैलेक्सी में, यू आर द गैलेक्सी एंड द गैलेक्सी इज यू। आपका जहन कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई हद, कोई फासला नहीं है, कोई वक्त नहीं है। और इसको एक्सपेंड करते करते फिर आप गैलेक्सी से बाहर निकल जाए, तो एक ऐसे मकाम पर आप जा रहे जिसे मकाम लाहूत कहते हैं। यहाँ ड्यूअलिटी नहीं है। दुनिया में ड्यूअलिटी चलती है साथ साथ, अच्छा बुरा, काला सफेद, रात दिन, गम और खुशी, मगर यहाँ ड्यूअलिटी नहीं है, इकाइयत है, वननेस है। इस मकाम पर जहाँ आपका शऊर उस मकाम से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया जो कि एक सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में गैलेक्सी में है जिसमें आप रहते हैं जिस्मानी तौर पर, फिजिकली यू एग्जिस्ट इन दैट प्लैनेट, ऑन दैट प्लैनेट, वहाँ पे आप हीलिंग भेजे, दुआ भेजे, हीलिंग दे, दुआ करें। और इमेजिन करें कि दुनिया में हालात बेहतर होते गए, फिर रेस्टोरेंट वापस खुल गई जैसे पहले खुल गई थी, फिर अस्पतालों में रश कम है, लोग खुशहाल हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में जा रहे हैं, बाज़ारों में गहमा गहमी है, शॉपिंग सेंटर्स आर ओपन, लोग खुश हैं, कारोबार फिर से चल पड़ा, एंड पीपल आर सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। अल्लाह से दुआ करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इस इम्तिहान के वक्त में तो हमारे साथ था,
और तूने हमें निजात दिलाई। ये आप विजुलाइज करें, इमेजिन करें अपने माइंड में, ये मुस्तकबिल है आपका, इसको सोचें इसके बारे में और तसव्वुर करें दुनिया की रौनकें और रंगीनियां और रानाइयां फिर से आ गई। अब वापसी का सफर शुरू करना होगा क्योंकि हम इस मकाम लाहूत पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। अब मैं 1 से 10 गिनूंगा और आपने अपने आप को सिमटना सुकड़ना शुरू करना है। You have to start bringing your awareness back now. One, मकाम लाहूत से गैलेक्सी पे ले आइए। 2, 3 एंड इन द गैलेक्सी 4 फाइंड योर सोलर सिस्टम, अपने निजाम शमशी को उस गैलेक्सी में ढूंढे। 5 और अब उसकी तरफ आते हुए अपनी पूरी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को अपने सोलर सिस्टम पे लाएं। 6 वो सोलर सिस्टम में अपने प्लैनेट अपनी दुनिया की तरफ लाए। 7 और दुनिया में फिर अपने मुल्क की तरफ लाए। 8 अपने शहर की तरफ लाइए। 9 अपने नेबरहुड में लाइए, अपने घर में लाइए, अपने कमरे में लाइए। 10 ओपन योर आईज फ्रेंड्स। आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। ओह, यू रिमेंबर दिस वाज द फर्स्ट मेडिटेशन वी स्टार्टेड जब कोरोना आया था, और अब वापस कोरोना आया तो मैं उसी मेडिटेशन से शुरू कर रहा हूं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं कह एक और चीज है, कोरोना आया गया सब कुछ हुआ, वापस आया, स्ट्रेंज चेंज हुई, म्यूटेशन, आई डोंट नो इफ देयर एनी म्यूटेशन हैपेंड और नॉट, व्हाटएवर, बट द थिंग इज के हम जाहिद निहारी गए, मैं और सर, हम दोनों की फेवरेट है जाहिद निहारी। हम जाहिद निहारी गए आई थिंक लास्ट मंथ, 1 महीने पहले, उधर लिखे हुए बोर्ड बड़े बड़े, 1 मीटर का दूरी, हाथ साफ करें, मास्क पहने। मैं और सर वो दो ही उल्लू थे जो मास्क पहन के वहां पे खड़े थे, हर कोई बगैर मास्क के कंधे से कंधा छुड़ाया हुआ था। आज भी हम जाहिद निहारी गए खाने, और आज खैर वीकडे था तो रश कम थी, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, हमने मास्क पहना हुआ था, जाहिद निहारी वाला मास्क जो मैंने पहना हुआ। सो आई एम लाइक आई थिंक मोर देन समथिंग हैपनिंग टू अस। हम अक्सर कहते हैं ना, जिंदगी हमारे साथ होती है, दुख हमारे साथ होते हैं, परेशानी हमारे साथ होती है, वो तो है, लेकिन आप अपने लिए अपने लिहाज से क्या कर रहे हैं? यू नो सर, इफ समथिंग इज हैपनिंग, कह रहे कोरोना हमारे साथ हो रहा है, लेकिन बचने के लिए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसमें हमें दूसरों को भी बचाना है ना। हाँ, उसके लिए कोई कुछ नहीं, हाँ, कोई कुछ नहीं कर रहा, और ये बेसिकली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी होगी। सी, इफ आई एम अ सिटीजन, मैं किसी मुल्क का शहरी हूँ, मेरा फर्ज बनता है, कुछ फराइज है मेरे। एक तो ये कि मेरी जात से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर नुकसान पहुंचता है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। मुझे रहते हैं पाकिस्तान ने या दुनिया ने लॉ क्यों पास नहीं किया कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, दे शुड बी ट्राइड अंडर क्रिमिनल ऑफेंस, बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। एक मुजरमाना गफलत है ना, कि आपको पता नहीं कि आपकी वजह से कोई और बीमार पड़ेगा, तो इसका मतलब है आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे। तो खैर ये हुआ नहीं दुनिया में, आई विश ये हो जाता तो और ज्यादा जल्दी से कटेल हो जाता ये वायरस और जल्दी जान छूट जाती। एनीवेज दोस्तों, सैटरडे को उरूज साहिबा, उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टर्की से और मैं पाकिस्तान से, हम दोनों हेवन ऑफ फीलिंग करेंगे, बिकॉज उरूज इज गोइंग टू टर्की फॉर 3 डेज। कुछ लोगों के बड़े शौक होते हैं 3 दिन के लिए टर्की जा रही है, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, बट एनी, हाँ वो मशहूर, वो क्या कहते हैं उसको, कंपीर बड़ा मशहूर एक है, बॉइल पोटेटो में अंदर वेजिटेबल्स होते हैं, बड़ा टेस्टी, मैंने भी खाया, बेक पोटेटो होता है, ओके बेक पोटेटो। तो रूज हम एक रिक्वेस्ट मैंने लोगों से की थी कि प्लीज जब भी कोई वीडियो देखे उस पर कमेंट्स दें, उस पर अपनी राय दें, क्या टॉपिक आप चाहते हैं हम इस हेवन ऑफ फीलिंग मिले,
या थर्सडे के क्वेश्चन को कमेंट्स लिखा करें, क्योंकि ये कमेंट्स जो है वो अब हमने एक टीम बिठा दी है इंस्टीट्यूट पे जो ये तमाम वीडियोस के कमेंट्स को लिखा करेगी और वो सब मेरे पास पहुंचेंगे, तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा अगर आप ये कर सके। दूसरा एक और चीज है कि अब हमने नया एक स्ट्रेटजी, आई वोंट से द स्ट्रेटजी बट ऑन द न्यू नॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज वुड बी दैट वी वुड बी डूइंग ओनली वन फिजिकल वर्कशॉप पर सिटी once a month, so it would be like once in Karachi and then once in Lahore, once in Islamabad. So we would be doing lesser of the physical workshops because again, we don't want people to be clumbing up into a into the workshops in a way. COVID का मसला नहीं है, खत्म हो जाता। Because Islamabad में मैंने काफी लोगों को कहा, Karachi में काफी लोगों को कहा, और even Lahore में भी काफी लोग अब डॉक्टर मोइस के पास ना जाएं। And stay with me. You want to talk to me? It's okay. I'm wearing a mask. Don't go close to him. But we will still go to close to very close to him, which is fine, which is no problem. But due to COVID, I think we should always maintain a distance. So we will keep you updated. Keep sending your messages on this comment section if you want to, your feedback, and as well as कि किस तरह हेवन अ फीलिंग ने आपको हेल्प किया. If you want to be a part of our Facebook page, you want to be published on it, that how हेवन अ फीलिंग has helped you or how Dr. Moise has touched your life, you are most welcome to literally WhatsApp me on my WhatsApp 0333845678. That's it. अपना over to you. लिख दो ना उरुज, लिख रही हूँ, आप बात करें ना, मैं लिखती हूँ। दोस्तों ये बड़ी अच्छी है कि अगर हेवन ऑफ फीलिंग से आपको फायदा पहुंचा है तो आप लिखें, हम दूसरों को बताएंगे तो इस तरह और लोग शामिल होंगे। बुराई बुरी बातें तो हम बड़ी आसानी से शेयर करते हैं, जोक्स बड़ी आसानी से शेयर करते हैं, गाने और डांस बड़ी शेयरिंग जबरदस्त शेयर करते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात आमतौर पर शेयर नहीं होती। जो करते हैं उनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह उनको जजा दे। मुझे कुछ लोग बहुत अच्छी बातें भेजते हैं, तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इससे क्या होगा, दूसरा मोटिवेट होगा, उसको भी फ़ायदा होगा। क्यों नहीं लाख दो लाख लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो हमारे दोस्त हैं, लाखों क्यों नहीं कर सकते। सबके पास सेलफोन है, सबके पास दिमाग है, बात सारी ये कि प्रायरिटी नहीं है उनके लिए, शायद ये कोई चीज़ है ही नहीं। जब तक खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ फिर उनको हमारे पास आना पड़ता है, जब हर जगह से मायूस हो जाते, ये अल्लाह का करम है कि उसने दरवाजे रखे हैं आपकी मुसीबत को हल करने के लिए। अब डिपेंड करता है आप किस दरवाजे पे दस्तक देते हैं। एक जगह आपका प्रॉब्लम का इलाज है और बीमारी की शिफा है। आबाद रहे, शाद रहे, खुश रहे। सैटरडे मुलाकात होगी। परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताशा खुशियां दे, तौफीक दे के खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाकिस्तान फाइंड द बात।